बिहार दिवस 2018 का आज तीसरा दिन है, 10 मार्च है आज। और अभी हम बीईपी बिहार शिक्षा परियोजना के कैंपस से बाहर निकल रहे हैं और मेन ग्राउंड में आ गए हैं, जहां पर एक सेंट्रल थीम एरिया को सेलेक्ट करके वहां पर जो इस बार का थीम है चंपारण सत्याग्रह, उसके त्रास की कहानी तस्वीरों के द्वारा दिखाया गया है। और ये तस्वीर अपने आप में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, 3D लुक दिया गया है इस तस्वीर को, जिसमें चंपारण सत्याग्रह के कुछ घटनाओं को चित्रित किया गया है, उसे दिखाया गया है। आगे में बापू की मूर्ति है, आपको दिखाते हैं उसका। ये सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह का जो ये है वो आपको हम दिखाते हैं कि चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में 1918 में एक सत्याग्रह हुआ, यह चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। यहाँ जो शुरू करें तो डिजिटल लुक ये दे रहा है, काफी सुंदर लग रहा है, लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रहा है। ये आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा लग रहा है ये इसका लुक देखा जाए तो। यहाँ पे दिखाया जा रहा है एक किसान हल जोत रहा है खेत में, और सेल्फी केंद्र भी बना हुआ है ये आप देख सकते हैं। दूसरे में नील की खेती को दिखाया गया है। चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह समापन था कल, उप राष्ट्रपति आए थे और उन्होंने समापन किया था। यहाँ पे बापू के चश्मे का आकार दिया गया है, आप देख सकते हैं कि बापू का चश्मा है वो भी है, और इधर उनकी बड़ी सी मूर्ति लगी हुई है, वो लिखते हुए नजर आ रहे हैं। और पीछे नील की खेती करते किसान दिखाई दे रहे हैं, नील के पौधों को काटते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ नील के पौधों से जो नील तैयार किया था दिखाया जा रहा है इस तस्वीर। ये एक दिन का ये काम नहीं, काफी दिनों की मेहनत है। बापू का चरखा भी है यहाँ पे, तो देख सकते हैं कि कितना सुंदर सेंट्रल थीम एरिया को रखा गया है। और वाकई में ये सेंट्रल है, थीम है, और ये आकर्षण का केंद्र बना हुआ है लोगों के लिए। इधर भी वही चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष का ये पूरा दिया हुआ है, डिटेल दिया हुआ है, गांधी जी के नेतृत्व में दिखा रहे थे और यहाँ तक है। चंपारण ही भारत में सत्याग्रह का की जन्मस्थली बना। एक बार फिर से इसको दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोग पढ़ पाए इस अच्छी तरह से। ये पूरा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। 1 साल तक 2017 से लेकर अप्रैल 2017 से लेकर 2018 तक के चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह मनाया गया। अब ये देखिए यहाँ पर जो है अंग्रेजों के जुल्म को दिखा रहा है ये तस्वीर, जिस प्रकार वो जुल्म किया करते थे। इसमें एक घोड़ा है, उस पर जुल्म कर किया जा रहा है, देख सकते हैं। हाथ में चाबुक, 75 किलोमीटर डिस्टेंस भी दिया गया है। ACMN वक्त करता था जो नीलों पे काफी जुम गया, और ये बापू को साथ लेकर के चल रहे हैं चंपारण सत्याग्रह शताब्दी में। जो लोग हैं जो बापू के, तो राजकुमार शुक्ल जो है, पंडित राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर बापू आए थे 10 अप्रैल 1917 को बिहार में, और यहाँ से फिर वो मुजफ्फरपुर गए। 11 अप्रैल 2017 को वो गया बाबू के घर पर गए, और फिर वहाँ 2-3 दिन रहे, और 2-3 दिन रहने के बाद वो फिर पूर्वी चंपारण होते हुए पश्चिम चंपारण गए। उन्होंने 6 बुनियादी स्किलों की नींव रखी बापू ने, देख सकते हैं किस प्रकार किसान का मायूस चेहरा दिखाया गया इस तस्वीर में। तो चंपारण सत्याग्रह के त्रास की कहानी इन डिजिटल लुक में, तस्वीर के रूप में दिखाया गया है, और आकर्षण का केंद्र है ये बना हुआ, काफी सुंदर है, काफी अच्छा है। एक राउंड में और मार लेता हूँ, दिखाता हूँ आपको।
ताकि आपको अच्छी तरह से दिख जाए ये पूरा एरिया। अभी तो दोपहर के 12 और 1 के बजने को है, लेकिन जब शाम होता है, शाम होने वाली होती है या सुबह के समय में, यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहता है और लोग यहाँ पर सेल्फी लेते हैं, स्वयं तस्वीर खींचते नज़र आते हैं यहाँ पे। ये बच्चे बिहार के कोने कोने से आए हुए हैं, यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है जिला स्तरीय, और ये लोग भी उसमें भाग लेकर के अपनी काबिलियत दिखा रहे हैं। और ये पूरा कैंपस है बिहार दिवस का, देख सकते हैं। तो हम आपको लगातार अपडेट देते रहते हैं बिहार के गतिविधियों के बारे में, बिहार में हो रहे इवेंट के बारे में, बिहार के डेवलपमेंट के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक इंद्रसेन का प्यार भरा नमस्कार। जय भारत, जय बिहार।